चले यार सेटअप पे आ गए। अरे यार ये फिर बंद है, खोलना तो पड़ेगा। नहीं खोलना पड़ेगा, आज हवा तेज है। लेकिन यार फिर वो डरते हैं यार, सारे के सारे जितने अपने हैं ना, अभी तुम खोलोगे ये उड़ेगा। और आज दोस्तों इतनी तेज हवा ये जैसे उड़ेगा ना, मुझे पता है सारे हमारे परेशान होंगे और सबके सपना भागना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों छत पे आए थे हम दोनों, इनका दाना पानी लेके, वो रहा हमदा के हाथ में था और बाकी ये मेरे हाथ से गिर गया था। ये सबसे पहले तो यार मैं डाल दूँ रैबिट्स को यहाँ पे, तो रैबिट खोलेंगे ना तो वो खुद आके खा लेंगे फिर। और बाकी दोस्तों आज यार भला की हवा तेज़ है। जब मैं आज सुबह छत पर आया तो आप यकीन जाने ईंटें जो थी ना, जो हम ढकते हैं इसके ऊपर, वो यहाँ पड़ी हुई थी। इतनी शदीद हवा थी कि एक झटके में उसने कहाँ पहुँचाई है हमदा, सारा जितने सबके कपड़े थे ना आगे पीछे हुए। ये देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है आज कि बहुत ज़्यादा। और फिलहाल अभी दोस्तों दोपहर हो रही है, हमने बोला यार इन्हें आज जल्दी खाना डाल दें, क्योंकि ठंड की वजह से ना इनको कहीं लपेट में ना आ जाए कोई, तो इसलिए जल्दी खाना डालने आए। चलो यार पहले ऐसे रख दूँ, हाथ नहीं आ पा रहा है। जाओ 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 यार। दोस्तों असल में गर्मी हो रही है ना, थोड़ी धूप में आज तेज़ी हुई भी है, लग नहीं रही थी हमें, लेकिन भाई ने बोला कि अक्सर भाई ने कि धूप में तेज़ी है रख दो, तो थोड़ी देर इनको हमने बोला धूप लगा दें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद धूप लग रही है इनको। यार दोस्तों हमने जो है राजा को खोल दिया और इसका ना दिमाग ख़राब हुआ हुआ होता है, चीख चीख के इसने ना हमारी यकीन माने पूरे सेटअप को चिकवाना शुरू कर देता। वहाँ जाओ चलो। फिलहाल हमजा जो है दोस्तों कैल्शियम का पानी बना रहा है, जो हमने आज इनको देना था, क्योंकि आज सुबह से मैंने किसी को भी पानी नहीं पिलाया। हमदा कैल्शियम का बस पानी बन जाए, तो आज सबको फिर हम पानी डाला है, किसी को भी नहीं डाला मैंने पानी। तो दोस्तों मैंने इनका विटामिन का पानी डाल लिया, ये विटामिन का पानी इनको भी डाल लिया, सबको भी डाल लिया। चलते हैं पहले यार इसको दिखा दें आज। तो पहले कल मैंने भाइयों को बोला था कि इसको जो है दिखाऊंगा अपनी कुड़क मुर्गी जो है हमारी, उसके अंडों का क्या बना। और ये देखो ये पहले से अंडों पे से उठी हुई है, देख रहे हो, वो देखो इसने बीट भी कर दिया उन्हें, ख़त्म। देख रहे हो कहानी इसकी, ये उठती नहीं अंडों पे से, अगर फुल कुड़क रहती इसका कुड़क पना, मुझे जो लग रहा है ना देख नहीं रहा, मुझे ख़त्म लग रहा है बिल्कुल। इसको पहले निकालते हैं बाहर। आने दो आने दो आने। यार ये लड़ेगी तो नहीं, वैसे कंडीशन साफ नहीं हो गई। कंडीशन तो साफ हो गई, मतलब जो परवट टूट रहे थे, इधर आ जाओ क्या हो गया। अब इसे कर देंगे सील, आराम से छोड़ दो। यार इसने कितनी मरतबा, तीसरी मरतबा, दूसरी मरतबा अंडे खराब कर। लेकिन यार इसकी गलती भी तो नहीं, ये अंडों में मसला था, अंडों में ही मसला नहीं भाई, इसकी मैद थोड़ी हो गई थी कूड़ा कूड़ी। क्यों पहले वाले अंडे याद है ना, तकरीबन 13 दिन में खराब हो गए थे। सही, अब इसको छोड़ते हैं, अंडों को चेक करते हैं, ये लड़ेगी तो नहीं यार। नहीं छोड़ के चेक करो, वो आ जाएंगे बाब राजा। देखो मैंने क्या बोला, हटा 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 हटा, जाल के अंदर। तो यार अभी दोस्तों मैंने इसको फिलहाल जाल में करा है, वरना ये लड़ेंगे इस फिलहाल में। तो आओ यार इसके अंडे देखें आप, लिखे हुए मैं खत्म है, वेट ही नहीं है यार दोस्तों, यकीन जानो बिल्कुल वेट ही नहीं है अंडों का। अबे यार हमारा यकीन जान, और ये तुम्हें पता है किसके अंडे थे, अंडे इतनी आराम से मिलने वाले नहीं है, इतने महंगे अंडे हैं दोस्तों, इस ब्रिड के अंडे मिलते नहीं है, और अंडे मिलते हैं तो वो हमने देखे 600 रुपए का एक, महंगे 600 रुपए का, बताइए लगा लो अगर 500 ऐसे 500 भी कर लो तो यार 500 की एक रकम है, सीधे सीधे 1500। तो यार बस देखते हैं, दुआ करो अगर किसी में एक मतलब अचानक बच्चा निकला, क्या कहते हो निकलेगा? नहीं 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 निकलेगा, चला जाए टाइम पूरा कर बच्चा नहीं है निकाल, मेरे को दिख भी नहीं रहा, बच्चा नहीं है ये, बच्चा बना है, सही थे फर्टाइल अंडे थे लेकिन खराब हो गया। थोड़ा सा यार दूर रखना मेरे ऊपर अभी भी यार, हमदा वो आया ये तो हमदा खराब है ऊपर कर, हाँ ये जा खराब है, छोड़ बेकार है दोस्तों। भाई आखिरी अंडा ये भी देख रहे थे दोस्तों, उसका तो मुझे लग रहा था कुछ बन रहा था, अब ये अंडा फिकर कर मुँह में नहीं गया, लो क्या था वही था बदबूदार अंडा और बच्चे।
सड़ा हुआ होता है ना, बच्चे पूरे गल गए बिल्कुल। तो यार इस मुर्गी ने दोस्तों हमारे को बहुत ज्यादा ना धोखा दे दिया, नाराज कर दिया। तुमने क्यों करा इसे क्यों करा दोस्तों, इसने इससे पूछे, इसने सारे अंडे खराब कर दिया हमारे। वो अपनी जगह सही है अंडों में, वैसे क्यों करा हमारे साथ बताओ। तो चले यार दोस्तों, अब इसका भी हम सेटअप करें और पूरा साफ सुथरा कर दें, क्योंकि अब ये कुड़क तो नहीं होने वाली, अब इसका कुड़कपन खत्म करना है। तो इसको हम हीराओं के साथ खोलेंगे वापसी, अभी मैं इसको वापसी वहीं बंद कर देता हूँ। चलो आ जाओ, तो इसको देखो कैसी बेचैनी हो रही है। कौन ये लो, आपकी वाइफ वापसी आ गई। नहीं करनी, 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 करनी। पागल हो गया। चलो अंदर जाओ, अभी हम साफ करते हैं तुम्हारा, रुक जाओ दोस्तों। एंड में मैं साफ करूंगा, जब इसका पूरा ब्लॉग एंड कर देंगे ना फिर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी इसको उठाया ना तो बखेरा इसी में टाइम निकल जाएगा हमारा सारा। तो यार इनको बंद करे हुए दोस्तों काफी टाइम हो गया है, मिस्त्रियों को मैंने बंद कर दिया, अब इनमें से एक को ले जाते हैं हम। आज मस्ती चल रही है, चलो 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 खाना तो डालो, जब ही तो नहीं आ रहा यहाँ पे। इसको उसके बाद खिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना उसको खाने नहीं देता बिल्कुल भी, जरा सा भी नहीं खाने देता। यार दोस्तों रैबिट्स को भी खोल देता हूँ यार अब मैं, क्योंकि जब सभी को खोल दिया है। आ जाओ भाई जैक, जैकी और जैनी, खाना पीना खा लो, आओ। बाकी दोस्तों यार एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं, हमने मुर्गी को उठा तो दिया, पर वो बेचारी ये समझ रही है कि इसके नीचे अभी भी अंडे रखे हुए हैं। हमदा कंडीशन देखो बेचारी की आगे। वो समझ रही है अभी भी अंडे रखे हुए हैं। उस बेचारी को ये है कि शायद मेरे अभी भी अंडे हैं और वो बच्चे निकलेंगे। इस बेचारी के बच्चे निकल ही नहीं पा रहे हैं यार, हमें भी दुख होता है देख के, कब निकलेंगे यार आखिर इसके बच्चे। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसके लिए। बाकी देखते हैं कुड़क है या नहीं, हमदा कुड़क पाना चेक करें। लेकिन ख़त्म हो गया फुल, ये सिर्फ अब ऐसे ही बैठी हुई है, अब इसका ख़त्म है। बाकी यार तुम जल्दी से बच्चे निकालो, तुम्हारे बच्चों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हमारे गिफ्टेड पिजन से और इनके बच्चे आएंगे तो बहुत बस देखने। यार दोस्तों हमारे जो बटेर है ना उनके बारे में जो मैं परेशान हो रहा था कि वाइट बीट कर रहा है, वाइट बीट कर रहा है, तो जिस भाई ने मुझे गिफ्ट करा था तो उन्होंने बताया मुझे मैसेज पे, मैंने उन्होंने वीडियो देखी होगी, उन्होंने बोला भाई ये वाइट बीट इसलिए नहीं कर रहा कि बीमार है अक्सर घबराहट की वजह से, और मतलब एक जो डर होता है, मैंने बोला हाँ डर से भी करते हैं अक्सर, तो या तो डर की वजह से, और दूसरा उसने बताया था कि मेल फीमेल होता है, तो इनमें कोई चक्कर पता नहीं क्या बताया था उसने कि फीमेल करती है या मेल करता है, तो ऐसा कुछ बताया था कि वाइट बीट का। बाकी मुझे नहीं पता इतना इसके बारे में, लेकिन ये पता है कि हाँ डर के मारे भी ये करना शुरू कर देते हैं। बाकी दोस्तों हमारे माशाल्लाह यहाँ पे ये खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनमें दोस्तों हमारा एक पेयर बना हुआ है जिसको मैंने अभी बैठे बैठे देखा, वो जो है मीटिंग कर रहे थे, तो अच्छी बात है यार पेयर बना हुआ है। बाकी यार हम इन सारियों को बेच देंगे यार, और एक पेयर रखूँगा अपने बड़ा लाके। यार दोस्तों बाकी इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है यार कि हमारे पास ना मुर्गी के बच्चे इस बार भी नहीं आ सके। और एक और चीज़ दोस्तों, इसने अपना एक अंडा जो खा गई थी है, और वो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया ना दिखा पाया, दिखाता कैसे पूरा ही खा गई थी दोस्तों छिलके समेत, वो जो सेपरेट का अंडा आया था ना चिकन का पूरा अंडा खा गई है। तो काफ़ी मेरे से कमेंट आए हुए थे कि यार ये जो है आपकी मुर्गी ये कब कुड़क पे से उठेगी, कब इसके बच्चे निकलेंगे, कब निकलेंगे। तो भाई इसके बच्चे नहीं निकलने वाले, ख़राब कर दिए इसने फिर से वाले अंडे, और इन अंडों को ख़राब करने में इसका कोई गलती नहीं है। खैर चलें ये हम मान सकते हैं कि जो होना था नसीब में लिखा था वो हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।